आप लोग को एग्जाम में आने जा रहा है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। यस सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन, टेल मी। मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूं। सर कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एनी कैलकुलेशन इन इजली एंड फास्ट एंड ह्यूमन ब्रेन कैन टेक टाइम। कंप्यूटर कैन डू वर्क विथआउट विथआउट रेस्ट एंड ह्यूमन ब्रेन नीड रेस्ट। कितना बोलना है सर? बोलो बोलो, हम पांच नंबर का क्वेश्चन दे दिए। सबसे मैं पूछा हूं, सब बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने जा रहा है एक्सटर्नल एग्जाम में। बताओ बाबलू, तुम कुछ बोलोगे? बिट्टू ने बताया कुछ पॉइंट, तुम बताओ कुछ। कंप्यूटर कैन वर्क 24 आवर विथाउट एनी प्रॉब्लम, बट ह्यूमन ब्रेन कैन वर्क इन लिमिट। ठीक है, मैं बबलू से पूछ रहा हूँ, दीपक से। दोनों चुप क्यों हैं बबलू? नेटवर्क इशू आ गया है क्या बबलू का? यस सर। कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में क्या अंतर है बताओ? What is difference between computer and human brain? बबलू नहीं पता तुम्हें? थोड़ा सा गया था। जो है बताओ ना बेटा। दीपक कुमार यादव, अब मैं बता दूं तुम लोगों को, कंप्यूटर हैज नो इट्स ओन ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुन लो, अगर लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो सुनना है तो सुन लो। कंप्यूटर हैज नो इट्स ओन ब्रेन वाइल ह्यूमन हैज इट्स ओन ब्रेन। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स वाइल ह्यूमन हैज इट्स ओन फीलिंग। कंप्यूटर हैज नो इमोशंस वाइल ह्यूमन हैज इट्स ओन इमोशंस। कंप्यूटर हैज नो इट्स ओन क्रिएटिविटी वाइल ह्यूमन हैज इट्स ओन क्रिएटिविटी। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड Whereas human get tired. Computer can do millions and billions of instruction in a second, but human can take a month, a year, or a couple of years to complete a instruction. मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सुन लिए सारे लोग ना? दीपक यस सर। बाबलू सब सुन चुके ना? बिट्टू यस सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी कैरेक्टर व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कंप्यूटर का बताओ?
सर रिवेलिबिलिटी और एक्यूरेसी एक्यूरेसी और रिवेलिटी और वैलिडिटी रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी और बोलो सुनो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में एक पॉइंट होगा स्पीड स्पीड होता है कंप्यूटर में ज्यादा है यस सर स्पीड अच्छा मेरा क्वेश्चन कंप्यूटर की स्पीड को हम कौन से यूनिट में मैप करते हैं क्या यूनिट मैप होता है करने का कंप्यूटर की स्पीड को मेगा हर्ट्ज एम एच जेड क्या होता है मेगा हर्ट्ज कंप्यूटर स्पीड कैन बी मेजर्ड इनटू द मेगा हर्ट्ज साधु सुन रहे हो कि नहीं यस सर तो जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको मेगा हर्ट्ज में हम लोग मैप करते हैं मेगा हर्ट्ज का फुल फॉर्म मतलब शॉर्टकट होता है एम एच जेड समझ रहे हो और कंप्यूटर की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा होती है मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो कुछ सेकंड में ही कर सकता है एक मिलियन में कितना लाख होता है बताओ तीनों जल्दी एक मिलियन में कितना होता है एक बिलियन में कितना होता है ट्रिलियन में कितना होता है नहीं पता है बिट्टू यस सर क्या होता नहीं पता बेटा नहीं सर एक मिलियन में 10 लाख होता है मैं बता देता हूं आज के बाद पूछूंगा तो तीनों बच्चे बताएंगे एक मिलियन में कितना होता 10 लाख 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख्स बिलियन इक्वल टू वन मिलियन इक्वल टू 10 लाख्स 1 बिलियन में 100 करोड़ 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ मैं बता रहा हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ ठीक है सर ट्रिलियन इक्वल टू ट्रिलियन सर ट्रिलियन एक मिलियन में कितना हुआ 10 लाख्स 10 लाख एक बिलियन में 100 करोड़ एक ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़ कितना हुआ 1 करोड़ 1 लाख करोड़ तो 1 करोड़ बोलते हो 1 लाख करोड़ सर हाँ एक ट्रिलियन में हो गया 1 लाख करोड़ करोड़ ठीक है यस सर तो कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग मेगा हर्ट्ज में नापते हैं और कंप्यूटर का जो होता है मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस स्पीड को बहुत जल्दी मैप कर लेता है दूसरा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स एक हो गया स्पीड दूसरा एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है एक्यूरेसी मींस एक्यूरेसी क्या होता है परफेक्ट डेटा परफेक्ट आउटपुट परफेक्ट इनपुट एप्रोक्सीमेशन नहीं होना चाहिए
जैसे हम लोग पाई की वैल्यू बोलते हैं 3.14, तो वो अप्रोक्सीमेट है कि एक्यूरेट है? एक्यूरेट है सर। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब परफेक्टनेस। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एक स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा हो गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब बताएगा कोई? रिलायबिलिटी किस लेवल पे होता, हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे, ये बताओ तीनों लोग, फिर मैं बता दूंगा। सॉफ्टवेयर। रिलायबिलिटी हार्डवेयर लेवल के थ्रू ज्यादा मिलता है। पूछो कैसे? अगर आपका एप्लीकेशन बड़ा है, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपका रैम है 2 GB का और एप्लीकेशन है 20 GB का, तो आराम से चलेगा कि रैम की साइज अच्छी रहेगी तब अच्छा से चलेगा? यस सर, साइज अच्छा, रैम की साइज अच्छा रहे तब अच्छा चलेगा सर। तो सॉफ्टवेयर में भी तो ये काम करेगा क्या? ये रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी अगर सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बोल रहे हैं, कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर की बात आ गई, नहीं समझे? यस सर। सॉफ्टवेयर का जब हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तब सॉफ्टवेयर की बात आती है। यस सर। तो पहला हो गया स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। मैं पहला हुआ स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट बताओ आप लोग। मैं बताता हूँ, स्टोरेज कैपेबिलिटी, वर्सेटाइलिटी सर। आप नेक्स्ट हुआ स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी का क्या मतलब हुआ बबलू? बबलू तो चुप हो गया बेगुसा जाकर। सिर्फ ग्रुप में मैसेज कर रहा, ज्वाइन करो क्लास। कौन? बबलू। अच्छा ठीक है, स्टोरेज कैपेबिलिटी का यह मतलब हुआ कि स्टोरेज को बढ़ाना। आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना स्टोरेज रख सकते हैं, बाकी जगह रख सकते हैं, उतना रख सकता है कहीं भी आदमी? नो सर। मतलब स्टोरेज कैपेबिलिटी की बात हुई कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपका कितना अच्छा है, कितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कंप्यूटर में। आप हार्ड डिस्क के अंदर जितना इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, बाकी कहाँ रख सकते हैं? कहीं नहीं रख सकते। उतना फ्लॉपी ड्राइव में नहीं रख सकते, सीडी ड्राइव में नहीं रख सकते, है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट होता है वर्सेटाइल, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है? वर्सेटिलिटी क्या होता है सर? कंप्यूटर हैज नो ट्रायडनेस और इरिटेड, इसलिए इसको वर्सेटिलिटी बोलते हैं। मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुन लेना। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक साथ कितने टास्क चलते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल सर। मान लो एक साथ 5 to 6 एप्लीकेशन चल रहे हैं, कितने एप्लीकेशन चल रहे हैं एक साथ? 5 से 6 एप्लीकेशन एक साथ चल रहे हैं। उसके बाद लेकिन हर एप्लीकेशन को रिसोर्स मैनेजर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हर, हाँ वैसे टाइम इज मल्टीपल, वेरी गुड। हर रिसोर्स मैनेजर, मतलब रिसोर्स मैनेजर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एप्लीकेशन के लिए रैम की व्यवस्था करे, डेटा बस की व्यवस्था करे, रैम की स्पीड की व्यवस्था करे, रैम के लिए स्टोरेज की व्यवस्था करे, और सारे चीजों को ये चीजें आराम से मिलते रहे, सारे एप्लीकेशन आराम से चलते रहेंगे। 4 एप्लीकेशन है, 6 एप्लीकेशन एक साथ चल रहा है, एमएस वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, सारे एप्लीकेशन एक साथ चल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्सेटाइल। इसको क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल। नेक्स्ट हुआ डिलीजेंस। डिलीजेंस कौन बताएगा हमें? प्रशांत कुमार, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीजेंस? बिट्टू राज। यस सर। डिलीजेंस क्या होता बेटा?
डिलीजेंस डिलीजेंस डी आई एल आई जी ई एन सी ई What do you mean by diligence? Bablu, diligence का मतलब मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग. प्रशांत कुमार नो diligence means no attraction. अब ध्यान से सुन लो आप लोग सारे बच्चे. कौन पॉलिश करता है सर? डिलीजेंस का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के पास 4 कंप्यूटर के पास 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन है सॉल्व करने के लिए. कंप्यूटर हैज 100 इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व. मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मतलब 10 लाख इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना है. मेरी बात ध्यान से सुनना. तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जितनी ऑनेस्टली से करेगा, जितनी ईमानदारी से करेगा, उसी तरीके से वो 10 लाख जो 10 लाखवां इंस्ट्रक्शन होगा, 10 लाखवां, उसी टायर्ड लेस होकर काम करेगा. मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? कि पहला इंस्ट्रक्शन भी कंप्यूटर उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से 10 लाखवां या 20 लाखवां या 50 लाखवां या 1 करोड़ लाखवां इंस्ट्रक्शन. मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से वो अंतिम इंस्ट्रक्शन को करेगा. ह्यूमन बीइंग में क्या होता है आदमी के अंदर कि पहला काम तो अच्छा सा किया, लेकिन काम जब लास्ट होते होते आदमी थक जाता है और जैसे तैसे करके कंप्लीट करता है. ऐसा होता है बिट्टू? यस सर. बट कंप्यूटर नेवर बिकम्स टायर्ड. दिस इज ऑल्सो बिग डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन. कंप्यूटर नेवर गेट्स बिकम्स टायर्ड. कंप्यूटर हमेशा टायर्ड लेस होता है. कंप्यूटर हमेशा टायर्ड लेस होता है. और कंप्यूटर हमेशा टायर्ड लेस होता है. और तो डिलीजेंस का मतलब समझ गए आप लोग कि नहीं समझे? फिर से मैं रिपीट कर दूं? सर समझ गए कि कंप्यूटर चाहे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो उसी तरीके से करेगा, चाहे 1 लाख वाला इंस्ट्रक्शन हो, 10 लाख वाला इंस्ट्रक्शन हो, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन हो चाहे अंतिम हो, सबको उसी तरीके से कंप्यूटर करेगा. जबकि ह्यूमन बीइंग क्या होता, टायर्ड हो जाता. पहला इंस्ट्रक्शन अच्छे से करेगा, बाद वाला जैसे तैसे करके कंप्लीट करके फॉर्मलिटी कर देगा. नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स शेयरिंग. नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? रिसोर्स शेयरिंग. जैसे कंपनीज के अंदर क्या होता, एक प्रिंटर लगे होते हैं. कंपनीज के अंदर कितने प्रिंटर लगे होते हैं? 1-2. और उससे 100 मशीन जुड़ा होता है. 100 कंप्यूटर सिस्टम उससे जुड़ा होता है. और 100 मशीन से उसे 100 मशीन जुड़ा होता है. 100 मशीन जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो एक प्रिंटर से सारे लोगों का प्रिंट आउट निकलता है. तो एक रिसोर्स है प्रिंटर, केवल एक रिसोर्स है. और उसको कितने सिस्टम मिलकर शेयर कर रहे हैं जल्दी बताओ? 100, 200, 400, जितना 10 सिस्टम 20 सिस्टम 25 सिस्टम जिससे आप कर दो, है ना? रिसोर्स शेयरिंग का हुआ एग्जाम्पल. प्रिंटर इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग. अब एक काम करो आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवा देता हूं हेड लाइन, बाकी तुम लोग एग्जाम में लिख लेना. हैं? लिख लो. यस सर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मैं केवल लिखा दूंगा हेड पॉइंट. जैसे स्पीड लिखना तुम्हारा काम है. हैं? पहला लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट पॉइंट लिखिए स्पीड. स्पीड इसमें लिख लोगे कि मैं लिखवा दूं दो लाइन? क्या
लिखवा दीजिए सर. लिखो, कंप्यूटर सिस्टम हैज मच स्पीड A speed is measured into the in computer system a speed is measured into the megahertz MHz. In computer system a speed is measured into the megahertz. Full stop. Computer can process millions or billions of instruction. Computer can process millions or billions of instruction in a second or minute. Yes, sir. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखिए एक्यूरेसी. एक्यूरेसी. Yes, sir. एक्यूरेसी का मतलब क्या समझे तुम लोग? सर स्पेलिंग बताएगा एक्यूरेसी का. A डबल सी यू आर सी वाई. थैंक यू सर. लिखो इसमें computer performs calculation. Yes, computer performs calculation with yes sir 100% accuracy. क्या कंप्यूटर में जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें कहीं कोई आउटपुट जो आता है उसमें क्या एक्यूरेसी कम होती है कि 100% होती है? 100% होती है सर. और जो एरर्स वगैरह आते हैं वो अगर हम इनपुट गलत डाल दिए या प्रोसेस गलत डाल दिए या फंक्शन गलत डाल दिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत कर दिए तब एरर आती है, है ना? अदरवाइज अगर हम सब कुछ कैलकुलेशन सही करेंगे, फंक्शन सही लिखेंगे, सब कुछ सही करेंगे तो एरर्स आने की संभावना 0% भी नहीं है. है नो सर. इसमें लिखो एरर्स में अकर. एरर्स में सर इसी में एक्यूरेसी में एक लाइन और. यस सर. एरर्स में MAY एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी. एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी.
नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी. लिखिए ए कंप्यूटर इज रिलायबल. एक लिख रहे हो तुम लोग ना? यस सर. रिलायबिलिटी में ए कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट रिलायबल हैज. ए कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर एफ आर फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा. फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा दैट इज इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट. That is, if we give same set of input any number of times, we will get the same result. ठीक है. अब लिखिए स्टोरेज कैपेबिलिटी. सर एनी नंबर ऑफ टाइम के बाद क्या बोले थे? एक मिनट, किसमें लिखा है? रिलायबिलिटी में ना? यस सर. इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम्स कॉमा वी विल गेट द सेम रिजल्ट. यस सर. ठीक है, तो हम कितना बार भी इनपुट दें वही आउटपुट आएगा. नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेबिलिटी. इसमें तो लिख लोगे स्टोरेज कैपेबिलिटी में, किसमें लिखवाना पड़ेगा हमें? लिख लोगे ना? यस सर. नेक्स्ट लिखिए वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी VERSATILITY वर्सेटिलिटी. यस सर. वर्सेटिलिटी का मैंने यही बताया कि आप एक साथ एक से ज्यादा एप्लीकेशन खोल दिए हैं, मतलब एमएस वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, एक्सेल पे भी, पावर पॉइंट पे भी, प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो सारा टास्क एक साथ चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल्स. दिस इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी. बात समझ रहे हो मेरा? यस सर. देखो इसमें लिख लो वर्सेटिलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर वर्सेटिलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स different kinds of works with same accuracy and efficiency. अब लिखो diligence. diligence क्या है? What do you mean by diligence?
मैंने बताया था अभी जस्ट पहले कि डिलीजेंस क्या है, बता दो, तुम लोग भूल जाते हो, एक मिनट के अंदर भूल जाते हो। बबलू बताओ डिलीजेंस क्या है बेटा? पहला इंट्रक्शन को जैसे बोलो करेगा काम, वैसे ही लाखवा इंट्रक्शन जो है उसको भी उसी तरह। वेरी गुड बबलू, वेरी गुड, वेरी गुड बबलू। लिखो मतलब इसमें जैसा पहला इंस्ट्रक्शन पे जितना काम करेगा कंप्यूटर ऑनेस्टली इतने अच्छे तरीके से, उसी तरह का 10 लाखवां इंस्ट्रक्शन भी एक करोड़वां भी तो उसी तरीके से करेगा। इसमें लिख लो डिलीजेंस में, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशंस विथ द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इज डज नॉट फेल इज डज नॉट फील एनी बोर इज डज नॉट फील एनी बोरिंग सर क्लास ले रहे 5 मिनट के बाद क्लास ले रहे 5 मिनट के बाद कॉल करता हूं। इज डज इट डज नॉट फील एनी बोरिंग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग क्या होगा बताओ? एक जैसे एक प्रिंटर को 100 सिस्टम से एक्सेस करना। रिसोर्स शेयरिंग का मैंने जो एग्जांपल आपको प्रिंटर का दिया, दैट इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री का लाइव एग्जांपल है। लिखो लिखो रिसोर्स शेयरिंग लिखिए आप लोग। Resource sharing means, resource sharing means B can share the resource of the computer system. Or printer is an example of resource sharing. Printer is an example of resource sharing. प्रिंटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग थ्रू विच मेनी कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू ए सिंगल प्रिंटर। और आप लोग तो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़े हो, रिसोर्स शेयरिंग का तो सबसे बड़ा मास्टर तुम लोग हो, हैं? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोग को, कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट आर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो बताओ तुम लोग, बोलो। व्हाट आर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस,
कंप्यूटर एप्लीकेशन का कहाँ कहाँ यूज है बताओ ना। देर आर मेनी यूजेज ऑफ, मैं बोल देता हूँ पहले लिख लो, वाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लिखो क्वेश्चन, यूजेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख रहे हो? ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यूजेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पहला लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन, लिखे एजुकेशन में यूज होता है, आजकल एजुकेशन में हो रहा है ना, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, ये सब हो रहा है ना। यस सर। दूसरा लिखिए एंटरटेनमेंट, दूसरा क्या हुआ? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जैसे हम नेट पे चला के यूट्यूब देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कोई सीख रहे हैं, है ना एंटरटेनमेंट। यस सर। थर्ड लिखिए गेमिंग, GAMING, गेमिंग मतलब हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। यस सर। नो सर। यस सर नो सर दोनों हो गया सर, मतलब हम गेम नहीं खेलते, ऐसे खेला जाता है। गेमिंग होता मतलब एग्जाम में ये मत नहीं लिखोगे कि हम नहीं खेलते हैं, बबलू खेलता है लेकिन। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, गेमिंग। फोर्थ लिखिए गवर्नमेंट, नेक्स्ट लिखिए बैंकिंग, फिर लिखिए रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइंस रिजर्वेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, शेयर ट्रेडिंग। अब लिख लोगे ना आप, तुम लोग अच्छे से लिख लोगे ना एग्जाम में? यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, अटेंडेंस बबलू लेकर रखिएगा, हम अब लीव कर रहे हैं, ठीक है सर? वन सेकंड सर, वन सेकंड। अटेंडेंस बबलू रखेगा, जब क्लास में आएगा तब बबलू से लेंगे। क्लास में कोई बच्चा नहीं आया, सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, देख लो बबलू कौन कौन है। ओके सर, हो गया। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग अब, है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।